और आइए अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। इस समय आपको बता दें, खबर बड़ी ये है, उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता रहे कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है और इसे बीजेपी हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है। अलीगढ़ में इस मौके पर कार्यक्रम हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक तक तमाम बड़े नेता, बीजेपी के प्रदेश के केंद्र के, वो यहां मौजूद हैं अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ में बीजेपी का ये बड़ा कार्यक्रम है। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में ये कार्यक्रम रखा गया है। हिंदू गौरव दिवस के तौर पर बीजेपी जो है वो कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि मना रही है। हिंदू गौरव दिवस और इसको लेकर के आज अलीगढ़ में किस तरीके की तैयारियां हैं, बाकायदा एक बड़ा पंडाल बनाया गया है जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं, भूपेन चौधरी, धर्मपाल सिंह, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री, केंद्र सरकार के कई मंत्री यहां पर पहुंचेंगे। और साफ तौर पर अगर मंच पे ही देखें तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, परम श्रद्धेय बाबूजी पद्म विभूषण स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर हिंदू गौरव दिवस का शुभारंभ। जी हाँ, हिंदू गौरव दिवस मनाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि कल्याण सिंह की जो छवि रही है वो कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की रही है। यहाँ तक कि जब 1992 में 6 दिसंबर 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ था, उस दौरान भी कल्याण सिंह ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जिस दिन ये घटना हुई है उसके बाद में कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसी वजह से आज ये हिंदू गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं अलीगढ़ में इस पंडाल की जहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो आयोजन किया गया है उसके मुताबिक बताया ये जा रहा है कि 50 से 60 हज़ार लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वैसे तो ये कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है, लेकिन अगर इसको 2024 के आगामी जो अब से जो है 6-8 महीने में जो होने वाले लोकसभा चुनाव है, अगर उनसे जोड़कर देखा जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी एक तरीके से इसके ज़रिए अपनी 2024 की तैयारी को भी पुख्ता कर रही है। क्योंकि कल्याण सिंह की जो छवि रही है वो एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की रही है, तो एक तरीके से हिंदुत्व वोटरों को साधने की तो कोशिश है हिंदुत्व के मुद्दे पर। उसके अलावा कल्याण सिंह इस पूरे इलाके में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो लोध वोट है उसके एक तरीके से सबसे बड़े नेता के तौर पर उनकी जो छवि रही है। और जब बीजेपी की सरकार बन रही थी, फिर चाहे वो प्रदेश की बात हो या फिर उसके अलावा जो अलग अलग चुनाव हुए हैं, तो उस दौरान जो है कल्याण सिंह के समर्थन में बड़ी संख्या में लोध वोटरों ने अपना समर्थन जाहिर किया था। ओबीसी वोटर्स कल्याण सिंह के साथ जुड़े थे और एक बार फिर बीजेपी ने कोशिश यही की है कि कल्याण सिंह के नाम पर इस जो एक तरीके से वोटर को भी साधने की कोशिश की जाए। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो प्रदेश में बीजेपी जो 16 सीटें हारी थी उनमें से जो 6 से 7 सीटें ऐसी थी जो कि इस इलाके से आती हैं। और इसी वजह से तो अलीगढ़ में जो कार्यक्रम स्थल है वहां से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे कल्याण सिंह की दूसरे पुण्यतिथि का मौका है जिसे बीजेपी आज हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मना रही है। और इसी मौके पर ये बड़ा कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में रखा गया है और कुछ ही देर में यहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, कद्दावर नेता पहुंचेंगे। मौका चुनावी साल का है, 2024 में देश का चुनाव होना है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश जैसा सियासी राज्य जिसकी केंद्र की राजनीति में अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि 80 लोकसभा सीटें इसी उत्तर प्रदेश से आती हैं और ऐसे में बीजेपी की तरफ से जोर पूरा लगाया जा रहा है, 80 में 80 यही वो टारगेट जिसको लेकर बीजेपी इस बार आगे बढ़ रही है। और ऐसे में उन्हीं कोशिशों से जोड़कर बीजेपी के इस कार्यक्रम को भी देखा जा रहा है। दूसरी पुण्यतिथि आज कल्याण सिंह की और इसे बीजेपी की तरफ से हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। कल्याण सिंह, आपको बता दें, 1991 में बीजेपी की सरकार का चेहरा कल्याण सिंह, बीजेपी का ओबीसी चेहरा रहे, लोधी समाज से कल्याण सिंह आते हैं। और सीधे आपको लेकर चलेंगे इस वक्त कार्यक्रम स्थल से, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, यहां नेताओं के पहुंचने का सिलसिला कब तक शुरू होगा अंकित, और किस तरीके का जमावड़ा आप लोगों का देख रहे हैं इस समय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए?
रोमन, आपसे करीब एक घंटे बाद जो तमाम बड़े नेता है वो यहाँ पहुंचने शुरू हो जाएंगे, लेकिन पहले आपको एक तैयारी दिखा देते हैं कि ये कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि कल्याण सिंह जो है पूर्व मुख्यमंत्री तो रहे उत्तर प्रदेश के, लेकिन ओबीसी के एक बड़े नेता और जो लोध वोट है खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और इस अलीगढ़ और इसके आसपास की बेल्ट में, यहाँ पर जो है वो एक मेजर फैक्टर जो है रहे हैं कल्याण सिंह जब वो बीजेपी के साथ थे, और बीजेपी को ये बखूबी पता, इसी वजह से यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है इसको नाम दिया गया है हिंदू गौरव दिवस का। हिंदू गौरव दिवस क्यों? क्योंकि समझा जा सकता है कि जो ये राम मंदिर आंदोलन हुआ है, कल्याण सिंह उसका भी एक बड़ा चेहरा रहे, यानी कि उस मामले में एक आरोपी के तौर पर भी यहां तक कि उनका नाम सामने आया था। तो साफ तौर पर जो बीजेपी जो कल्याण सिंह की हिंदुत्ववादी नेता की छवि है वो तो उसके जहन में है ही, लेकिन उसके साथ ही में जो लोध वोट है वो भी एक जो एक पूरे इलाके में एक बड़ा फैक्टर है, उस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एक और तस्वीर दिखाई है मनोज, अगर आप पूरे पंडाल की तस्वीर दिखा पाएंगे। देखिए, यहाँ पर 50,000 से 60,000 लोगों के जुटने की अनुमान लगाया जा रहा है कि जब तमाम बड़े नेता यहाँ पर होंगे तो 50,000 से 60,000 लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, और बीच बीच में यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी सुनाई पड़ रहे हैं। एक और मनोज, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक तस्वीर है कि साधु संत भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये भी एक तस्वीर है इस कार्यक्रम की ही। देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो साफ तौर पर जो बीजेपी की रणनीति है वो हिंदुत्ववादी जो नेता के तौर पर भी और साथ ही में जो लोन वोट के तौर पर एक बड़े नेता रहे हैं उसकी भी छवि को बना रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अंकित गुप्ता। तो कल्याण सिंह के भरोसे बीजेपी चुनावी कल्याण के आस पे, अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।